दूसरे चरण में बिहार की पांचों सीट किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 58.58% मतदान हुआ, जो कि साल 2019 के मुकाबले करीब 4% कम है। 2019 में इन पांच सीटों पर 62.92% वोटिंग हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान मतदान केंद्रों के बाहर वोटर्स की भारी भीड़ दिखी। दूसरे चरण में बिहार की पांच सीटों पर शाम 6 बजे तक 58.58% तक मतदान हुआ, जो 2019 के मुकाबले करीब 4% कम है। 2019 में इन पांच सीटों पर 62.92% वोटिंग हुई। 6 बजे तक जो अनुमानित है उस वोटिंग परसेंटेज है 58.58। दूसरे चरण के चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग कटिहार में हुई, जबकि सबसे कम वोटिंग भागलपुर में हुई। अब एक एक कर इन पांच सीटों पर हुई वोटिंग के परसेंटेज को जान लीजिए। कटिहार में 64.6% वोटिंग हुई, तो वहीं किशनगंज में 64% वोटिंग, पूर्णिया में 59.94% मतदान हुआ, तो वहीं बांका में 54% मतदान हुआ, वहीं भागलपुर में सिर्फ 51% ही वोटिंग हुई। किशनगंज का 64% है, कटिहार का 64.6% है, पूर्णिया 59.94% है, भागलपुर 51% है और बांका 54% है, कुल मिलकर 58.58%। हालांकि 7 चरण में हो रहे लोकसभा चुनाव में दूसरे फेज में पहले फेज से ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट प्रतिशत काफी कम रहा है। अब कम वोटिंग के पीछे गर्मी जिम्मेदार है या फिर कोई और वजह है, इस पर निर्वाचन आयोग के साथ साथ नेताओं और आम लोगों को भी मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो अब ये जान लेते हैं कि 2019 के मुकाबले इस बार यानी कि 2024 में इन सीटों पर वोटिंग का प्रतिशत कितना रहा है। तो देखिए, अगर ओवरऑल की बात कर लें तो दूसरे फेज की बात करें अगर, तो यहां पर शाम 6 बजे तक 58.58% वोटिंग हुई है। देखिए, दिखा रहे हैं आपको 6 बजे तक का टोटल मतदान 2024 और 2019, ये पिछले लोकसभा चुनाव का है। देखिए 62.92% और इस बार का है 58.58% वोटिंग है। फर्क आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लगभग 4% कम वोटिंग हुई है। देखिए, अब बात कर लेते हैं कटिहार की, कटिहार लोकसभा सीट की। तो देखिए 2019 में कटिहार लोकसभा सीट पर 67.6% वोटिंग हुई थी और इस बार 64.6% वोटिंग हुई है, तो यानी कि यहां पर भी लगभग 3% का लगभग फासला रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। तो देखिए 2019 में 66.38% और इस बार 64% रहा है, तो फर्क यहां भी आप देख सकते हैं लगभग 2.25% करीब रहा है फर्क यहां भी पिछले लोकसभा चुनाव का और इस बार का जो 6 बजे तक का जो हमारे पास परसेंटेज आई है। तो किशनगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें 2019 की, तो 66.38% वोटिंग हुई थी और इस बार कम हुई है। और पूर्णिया की अगर बात की जाए तो पूर्णिया में देखिए 2019 में 65.37% वोटिंग हुई थी और इस बार देखिए 59.94%। तो साफ तौर पर देखिए फासला कितना ज्यादा है, आप देख सकते हैं कि 2019 में 65.37% वोटिंग हुई थी और इस बार देखिए केवल 59.94%, इसको 60 मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि लगभग 5 ऑन एन एवरेज देखें तो 5% का यहां भी फासला जो है वो देखने को मिला है वोटिंग परसेंटेज में। अब बात कर लेते हैं बांका लोकसभा सीट की। तो बांका में देखिए साल 2019 में यहां पर 58.6% वोटिंग हुई और 2024 यानी कि इस बार की अगर बात की जाए तो 54%, तो यहां पर भी देखिए लगभग 4% का फर्क है। तो इस बार का जो मतदान 6 बजे तक जो हमारे पास आंकड़े आए उसके हिसाब से 54% वोटिंग हुई और 2019 में 58.6% वोटिंग हुई थी। अब बात कर लेते हैं भागलपुर लोकसभा सीट की। तो भागलपुर के जो हमारे पास आंकड़े आए हैं, देखिए 51% इस बार का 6 बजे तक जो हमारे पास आई वोटिंग परसेंटेज, और पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 2019 में 57.16% वोटिंग हुई थी। तो आपको हमने बताया अलग अलग जो पांच लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुए, लोकसभा के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई और ऐसे में अब आपको ये समझना जरूरी हो जाएगा कि आखिर वो क्या क्या वजहें हो सकती है जिनकी वजह से
दूसरे फेज में कम वोटिंग हुई है। तो देखिए, बिहार में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, शादी का सीजन भी है, ये भी एक कम वोटिंग होने का बड़ा कारण हो सकता है। तो इस क्षेत्र में लोगों का पलायन भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि नौकरी की तलाश में इस एरिया के जो लोग हैं वो काफी संख्या में बाहर रहते हैं, और इसी वजह से कई लोग वोट करने के लिए नहीं भी आए। दूसरे फेज की ज्यादातर सीटों पर मुसलमान मतदाता जो हैं वो ज्यादा बताए जा रहे हैं। 2019 में ज्यादा वोटिंग की वजह चुनाव से पहले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ था, लोगों के बीच राष्ट्रवाद के नाम पर गजब का जोश देखने को मिल रहा था। एयर स्ट्राइक की वजह से पीएम मोदी की पॉपुलैरिटी जो थी वो चरम पर थी, और 2024 में एयर स्ट्राइक जैसा कोई मुद्दा अभी तक चुनाव में इस बार नहीं आया। वैसे कम वोटिंग की और भी कई वजह है, जैसे कि लोगों में वोटिंग को लेकर के जागरूकता का अभाव है, लेकिन ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनका ज्यादा प्रभाव हो सकता है। हालांकि मौसम की वजह से कई लोग जो है वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचे। बढ़ते आगे, दूसरे फेज के लिए बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग हुई, पांचों ही सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो गया। वोटिंग के दौरान तरह तरह के रंग देखने को मिले, आप भी देखिए। पर पहुंचा मतलब क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या दिव्यांग, सब ने वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। इन 5 सीटों के वोटर्स ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। अब किसको आशीर्वाद मिला है और किसे जनता ने नकार दिया है, ये 4 जून को पता चल जाएगा जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वोटिंग हो गई, वोटर्स ने अपना वोट ईवीएम में कैद कर दिया, लेकिन दूसरे फेज की जिन 5 सीटों पर चुनाव हुए हैं उस दूसरे फेज के चुनावी संग्राम को जरा समझिए। दूसरे फेज की 5 सीटों पर वोटिंग हुई 2019 में, इन 5 में से 4 सीट पर जेडीयू को जीत मिली थी, जबकि एकमात्र सीट पर महागठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। एनडीए बिहार की सभी 40 और देश की 400 से अधिक सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर के चल रहा है, जबकि इंडिया अलायंस के सामने चुनौती है पिछले चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करने की। तो अब ऐसे में देखना यह होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है और किसे जनता नकारती है। तो चुनाव के बीच ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि देश में चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होगी, यानी कि ईवीएम से ही होंगे, बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होंगे। और इसके अलावा ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया अलायंस के नेताओं के मुंह पर तमाचा बताया है। बैलेट पेपर वाला पुराना दौर वापस लौट करके नहीं आएगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र, लोकतंत्र। देश में ईवीएम से ही चुनाव होंगे, बैलेट पेपर वाला युग नहीं लौटेगा, ये बात शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव करवाने और वीवीपैट के साथ 100% मिलान करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2 निर्देश भी दिए हैं। पहला, ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी, और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले से चुनाव आयोग को तो राहत मिली ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडी अलायंस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1-2 घंटे पहले ही मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों को ऐसा गहरा झटका दिया है, ऐसा गहरा झटका दिया है कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को याद दिलाया कि कैसे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो बूथ लूट लिया जाता था। ये वो लोग हैं
जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना, पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है जो ईवीएम को बदनाम करने में लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है, ये अब मुंह ऊंची करके देख नहीं पाएंगे जी। दूसरे चरण के मतदान के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। इस फैसले से चुनाव के बीच इलेक्शन कमीशन को बड़ी राहत मिली है, साथ में वैसे लोगों को करारा झटका लगा है जो हर चुनाव के पहले ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिया करते हैं। न्यूज 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब आप ईवीएम पर सुप्रीम आदेश को समझिए। देखिए, भारत में ईवीएम से चुनाव होते हैं। पहले चुनाव बैलेट पेपर के माध्यम से होता था, जो कि काफी कठिन प्रोसेस था। यहां तक कि बूथ लूट लिए जाते थे, अहिंसा की घटनाएं भी होती थी, और यही वजह है कि अब बैलेट की जगह ईवीएम से चुनाव का फैसला हुआ है। लेकिन कई बार कई चुनाव से ईवीएम चर्चा में है, जब जो पार्टी चुनाव हार जाती है वो ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा देती है। इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी और मांग की गई थी कि ईवीएम से वीवीपैट स्लिप की 100% क्रॉस चेकिंग कराई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दो निर्देश भी दिए हैं कि ईवीएम 45 दिनों तक सुरक्षित रहेगी, और दूसरा ये कि अगर नतीजों के बाद 7 दिनों के भीतर शिकायत की जाती है तो जांच कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों में आगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर ओबीसी का हक छीनने की साजिश का आरोप लगाया। पीएम ने बिहार के अररिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि कांग्रेस बैकडोर से ओबीसी का हक अपने वोट बैंक को देना चाहती है, लेकिन जब तक मोदी है तब तक ये संभव नहीं है। कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब अररिया लोकसभा के समस्त जनता का आपका मिलकर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एक तरफ दूसरे चरण की वोटिंग चल रही थी, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गर्जना कर रहे थे। अररिया और मुंगेर में दो जनसभा के जरिए पीएम ने एक बार फिर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। इंडी गठबंधन वालों का मकसद है देश के लोगों से छीनना, उन्हें तरसा कर रखना और खुद की तिजोरी भरना। जैसे कांग्रेस हो या आरजेडी, नरेंद्र मोदी ने एक बार कांग्रेस पर ओबीसी का हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने की साजिश का आरोप लगाया। आज इनकी नजर ओबीसी के हक पर है, कल कांग्रेस आरजेडी इसी तरीके से एसटी एससी का हक भी छीनने का पाप करेगी। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कांग्रेस ने मुसलमानों को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण में सेंध मारी। ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंक करके पर्दे के पीछे उन्होंने खेल खिलाए। उन्होंने क्या किया, रातों रात कर्नाटका में जितने भी मुसलमान समाज के लोग थे, कितने ही अमीर क्यों ना हो, कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, भले कोर्ट में जज बनकर के बैठे हो, कोई भी हो, रातों रात उन्होंने एक कागज पे थप्पा मार करके उनको ओबीसी बना दिया। नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन का पहला हक मुसलमानों का है। पीएम ने कहा कि लेकिन आज कांग्रेस वाले झूठ बोलते हैं कि मनमोहन सिंह ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का एक और पुराना वीडियो सामने आया है,
जिसमें फिर से वो वही कह रहे हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। पहले चरण में जहां मटन मछली मुगल जैसे मुद्दे सबसे अधिक चर्चा में थे, तो दूसरे चरण के चुनाव में संपत्ति के बंटवारे का मुद्दा, विरासत टैक्स और कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हावी रहा, जो तीसरे चरण में बरकरार है। पिछले चार से पांच दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी पिच पूरी तरह बदल दी है। सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री ने पूरी चुनाव लड़ाई को ही बदल दिया है, जिसमें कांग्रेस उलझ कर रह गई है। मुस्लिम लीग की सोच का ही प्रतिबिंब है। न्यूज 18 के लिए